डियर मॉडर्न स्टार्स, टुडे यू विल राइट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ चैप्टर सेवन. ओके, चैप्टर सेवन. चैप्टर नेम इज लाइफ ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. ओके, टुडे यू विल राइट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर सेवन नेम इज लाइफ ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. सो यू विल राइट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन. फिफ्थ वन आपका क्वेश्चन लिखेंगे आज, जो आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. इट मीन्स सोसाइटी जो है वो कैसे डिवाइड हुई थी, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स, उसको अपने शब्दों में लिखना है. लिसन अगेन क्वेश्चन फिफ्थ वन. हाउ डज फिफ्थ वन, हाउ वॉज नॉट डज, ओके, हाउ वॉज सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. ओके, दिस इज क्वेश्चन. सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टार्ट राइटिंग. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू फोर मेन ग्रुप्स. इट मीन्स सोसाइटी जो है फोर मेन ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी. द सोसाइटी वॉज, आंसर इज द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू फोर मेन ग्रुप्स. फर्स्ट एरिस्टोक्रेसी. ओके, फर्स्ट एरिस्टोक्रेसी, डैश लगा के आप लोग लिखेंगे, द पावरफुल रूलिंग क्लास. ओके, नंबर वन एरिस्टोक्रेसी, द पावरफुल रूलिंग क्लास. नंबर टू प्रीस्टली क्लास, इसमें आएंगे उलेमाज, ब्राह्मण, ब्राह्मण्स, काजीज एंड मौलवीज. ओके, प्रीस्टली क्लास, उलेमाज, ब्राह्मण्स, काजीज एंड मौलवीज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड. पॉइंट नंबर थर्ड, द टाउन ड्वेलर्स. टाउन ड्वेलर्स में है ऑफिशियल, आर्टिशंस, क्राफ्ट पर्सन. ओके, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट्स, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स. ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, पीजेंट्री. पीजेंट्री, इसमें आप लिखेंगे डैश लगा के, पीजेंट्स हु पेड टैक्स, कॉमा, विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ रेवन्यू. ओके, विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ रेवन्यू. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, राइट शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. यू विल राइट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टू, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. ओके, ओके, स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टू. Persian became the court of language. Persian became the court of language. The court language. Okay. Persian became the court language of the Sultanate. Full stop. Hindi and Persian fused together and gave birth to a new language called Urdu. Full stop. Sanskrit continued. Sanskrit continued to remain an important language of the period. Full stop. Regional languages flourished because bhakti sands preached in the language of the people. Full stop. Literature consisted of translation and original works. Full stop. The Ramayana and the Mahabharata were translated into different regional languages. Different regional languages.
फुल स्टॉप, अदर संस्कृत वर्क्स वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन, अरेबिक, पर्शियन अरेबिक, ओके, ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन अरेबिक एज वेल एज वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस. ओके, सो यू हैव रिटेन क्वेश्चन नंबर टू एंड आंसर नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नो डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड. थर्ड इज राइट अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. इट मीन्स राइट अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. सल्तनत पीरियड के दौरान जो है म्यूजिक फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, क्या क्या विकास हुए थे, इनके बारे में लिखना है. सो आंसर नंबर फिफ्थ थर्ड, ओके, फिफ्थ थर्ड, ओके, फिफ्थ थर्ड. इंडो इस्लामिक, नोट डाउन आंसर, फिफ्थ थर्ड, इंडो इस्लामिक फ्यूजन, इंडो इस्लामिक फ्यूजन इन रेस्ट म्यूजिक कॉमा एंड द नॉर्थ इंडियन और हिंदुस्तानी म्यूजिक केम इन टू बीइंग, फुल स्टॉप. आमिर खुशरू, आमिर खुशरू, KHUSRAU, आमिर खुशरू कॉमा द पोइट एंड म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ मैनी मेडिवल रूलर्स कॉमा प्रोड्यूस्ड सेवरल रागास, रागास मीन्स राग और मेलोडीज, फुल स्टॉप. कब्बाली कॉमा अ न्यू फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन कोरस बिकेम पॉपुलर. ओके, कब्बाली कॉमा अ न्यू फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन कोरस बिकेम पॉपुलर, फुल स्टॉप. न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज द सितार एंड सारंगी वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द दिस पीरियड. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यूजिक के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ था सल्तनत पीरियड में. तो उस टाइम पर इंडो इस्लामिक एक फ्यूजन जो है डेवलपमेंट हुआ था और एक दूसरे को स्टाइल को एक्सेप्ट किया गया था बाई पोइट एंड म्यूजिशियन. ओके, आमिर खुशरू जो है उस टाइम पे पोइट और म्यूजिशियन थे मेडिवल रूलर्स के कोर्ट में. प्रोड्यूस सेवरल राग, और उन्होंने बहुत सारे राग और मेलोडीज को प्रोड्यूस किया था. कब्बाली एक न्यू फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन कोरस, कोरस मीन्स होता है कि एक साथ कई लोग एक राइम में उसको जो है सिंगिंग करते हैं एक साथ लोग स्टाइल में. तो एक कब्बाली एक टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ सिंगिंग स्टार्ट हुआ था, बिकेम पॉपुलर, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, आज भी पॉपुलर है, लोग आज भी उसको पसंद करते हैं. न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और कुछ नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप हुए थे लाइक सितार, सारंगी एंड तबला. ओके, एज द सितार एंड सारंगी वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड. एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया था लिटरेचर और उस टाइम के क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था लिटरेचर और लैंग्वेज में. तो उस टाइम पर पर्शियन लैंग्वेज डेवलप हुआ हुई थी. इट मीन्स भारत जो है पर्शियन लैंग्वेज सल्तनत पीरियड में जो सुल्तान थे उनके कोर्ट की लैंग्वेज हुआ करती थी मेन लैंग्वेज. और हिंदी और पर्शियन के फ्यूज्ड यानी कि दोनों के समागम से मिलने से एक नए लैंग्वेज एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई थी. तो वो है उर्दू. और संस्कृत कॉन्टिन्यूस एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी उस टाइम पे. रीजनल लैंग्वेजेस भी इम्पॉर्टेंट की थी क्योंकि जो भक्ति सेंट थे वो प्रीच करते थे, उपदेश देते थे वो रीजनल लैंग्वेज में ही, कॉमन लैंग्वेज में, जिससे कि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके. लिटरेचर कंसिस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन ओरिजिनल वर्क्स जो है इन सबका लिटरेचर जो है उसको क्या हो रहा था कि उसको ट्रांसलेशन उसका ट्रांसलेट किया जा रहा था. रामायण महाभारत को जो है रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया. बहुत सारे संस्कृत वर्क थे दूसरे जिनको पारसी पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था. एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ओके, यू विल राइट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. आप क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग इसको हम नहीं लिख पाएंगे, इसको कट करवा रहे हैं. ओके, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हो गए हैं. सो इसके बारे में मैंने आपको
अच्छे से आया हुआ है सल्तनत की टेक्सचर के बारे में, किस तरह के है? उस टाइम पे वर्क था, बट इसको क्वेश्चन आंसर में नहीं लिख पाते। सो स्टूडेंट, हाउ डिड द आर्किटेक्चरल स्टाइल डिफर ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ द सल्तनत? ओके, सो नोट डाउन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द आर्किटेक्चरल स्टाइल डिफर ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ द सल्तनत? ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, 5th, ओके, 5th का 5 क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड द आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल, क्योंकि इसमें भी आर्किटेक्चर के बारे में, फीचर के बारे में डिस्कस किया गया, यहाँ पर आर्किटेक्चरल के बारे में डिस्कस किया गया कि कैसे डिफरेंट था ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ सल्तनत, सुल्तान, जो सल्तनत पीरियड था उस टाइम पर, क्योंकि 5 डायनेस्टीज डेवलप हुई थी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, तो सारी जितनी भी डायनेस्टीज थी उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे था? सो आंसर नंबर 5th इज, यू विल राइट आंसर नंबर 5th। ओके, नाउ इट्स स्टार्टिंग। ओके, द अर्ली डायनेस्टीज, द अर्ली डायनेस्टीज ऑफ द सल्तनत पीरियड, द अर्ली डायनेस्टीज ऑफ द सल्तनत पीरियड, नेमली द मैमलुक, ममलूक डायनेस्टी। ओके, ओके, द अर्ली डायनेस्टीज ऑफ द सल्तनत पीरियड, नेमली द ममलूक डायनेस्टी, इट मीन्स यू कैन से स्लेव डायनेस्टी। ओके, नेमली द ममलूक एंड स्लेव डायनेस्टी एंड द खिलजी, एंड द खिलजी, ओके, डायनेस्टी कॉमा क्रिएटेड सम एक्सिक्यूस्टली, ओके, एक्सिक्यूस्टली डिजाइंड स्ट्रक्चर्स विद फाइन वर्क्स ऑफ आर्ट, एक्सिक्यूस्टली डिजाइंड स्ट्रक्चर्स विद फाइन वर्क्स ऑफ आर्ट, दे मेड इलाबोरेट यूज ऑफ कैलीग्राफी। ओके, दे मेड इलाबोरेट यूज ऑफ कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का उसमें यूज किया गया, एंड जियोमेट्रिकल डिजाइंस टू, जियोमेट्रिकल डिजाइंस टू डेकोरेट देयर बिल्डिंग्स, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज लेस डेकोरेटिव, वॉज लेस डेकोरेटिव एंड मोर सिंपल एंड ऑस्टियर। ओके, मोर मोर सिंपल एंड ऑस्टियर, फुल स्टॉप। द सैयद एंड लोदी, द सैयद, सैयद एंड लोदीज इन टर्न ब्रॉट, टर्न ब्रॉट अबाउट मोर लेविश स्टाइल्स विद द लेटर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू कंसेप्ट ऑफ डबल डो, फुल स्टॉप। इट मीन्स द अर्ली डायनेस्टीज, इट मीन्स जो सबसे पहले की, जो सबसे फर्स्ट डायनेस्टीज थी जिसे सल्तनत पीरियड जो है भारत में स्टेब्लिश हुआ था, तो फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ सल्तनत पीरियड नेमली द ममलूक डायनेस्टी, इट मीन्स स्लेव डायनेस्टी। सेकेंड, द खिलजी डायनेस्टी क्रिएटेड सम एक्सक्यूसिस्टली डिजाइंड स्ट्रक्चर विद फाइन वर्क ऑफ आर्ट, बहुत अच्छा वर्क हुआ था आर्किटेक्चर में। दे मेड इलाबोरेट यूज ऑफ कैलीग्राफी एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन टू डेकोरेट देयर बिल्डिंग्स। ओके, ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड, इट मीन्स तुगलक पीरियड के दौरान द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज लेस डेकोरेटिव, तुगलक पीरियड के दौरान जो है बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं होता था, लेस डेकोरेटिव बिल्डिंग थी एंड मोर सिंपल एंड ऑस्टियर, और बहुत ही सिंपल हुआ करता था। सैयद एंड लोदी इज इन टर्न ब्रॉट अबाउट मोर लेविश स्टाइल, सैयद और लोदी के टाइम पर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया गया था, ओके, तो वो जो वो था लेविश स्टाइल विद द लेटर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू कंसेप्ट ऑफ डबल डोम, इसमें जो है डबल डोम को यूज किया गया था। सो स्टूडेंट टुडे यू विल, यू हैव बीन, ओके, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर, दिस चैप्टर मीन्स चैप्टर 7, नेम इज लाइफ ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3
एंड फाइव के आंसर आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर फोर कहीं ना कहीं रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर फाइव से, तो मैंने उसको नहीं, क्योंकि इसमें इसके फीचर्स के बारे, सल्तनत जो आर्किटेक्चर था उसके फीचर के बारे में एक्सप्लेन करना था. तो इसमें क्या हुआ कि उनके बारे में डिफरेंट पूछ लिया गया कि क्या क्या डिफरेंट था, मतलब तो वो कुछ जो है मैच कर रहा है. तो मैंने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव आपको लिखवाया हुआ है. सो स्टूडेंट इट्स इनफ फॉर टुडे. ओके,